नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेकवर्ड यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। 2019 न्यू नियम अपडेट के अनुसार जो व्यवसाय ने अपडेट किया है, सो इसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से, सो इसके लिए वीडियो पूरा तक देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में शो हो रहे बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि पहले अपडेट सबसे पहले। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं तो फायरफॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसी वेबसाइट ओपन होगी और अदर ब्राउजर में ओपन नहीं होगी वेबसाइट। तो इसलिए वीडियो के ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। यदि आप लैपटॉप से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ओपन करते हैं। सो देखिए, फायरफॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा उदय। तो यहाँ पर देखिए, हमने उदय लिख के सर्च कर दिया। तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर जो भी फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है उदय .gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट में कुछ अपडेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट का, तो वेबसाइट में कुछ अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। तो ये देखिए, ये अपडेट हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए, पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। सो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर व्हाट इज आधार, तो यहाँ पर हम फिर से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये देखिए, वेबसाइट अपडेट होने के बाद यहाँ पर हमने वेबसाइट पहली बार ओपन की है, तो मुझे भी ढूंढने में समस्या हो रही है। तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। तो ये आधार अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए गेट आधार है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। गेट आधार में आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार, तो आपको उसी पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए वेबसाइट ओपन होगी। सो ये देखिए, वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको इसको कॉर्नर पे कट कर देना है। तो ये आईडी पासवर्ड है, तो इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको हमने कट कर दिया यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा, सबसे फर्स्ट में आई है आधार, तो आपको आधार पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आपको चाहिए फुल आधार, तो आपको फुल आधार पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अब 12 अंकों का अपना आधार नंबर लिखना होगा, तो वो मैं इंटर कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब आपको पूछेगा अपना फुल नेम, जैसे भी आधार कार्ड में नाम है तो आपको वो अपना नाम इंटर करना है। और नाम इंटर करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना पिन कोड लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, तो अब आपको अपना सिक्योरिटी कोड लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सिक्योरिटी कोड इंटर कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है डू यू हैव OTP, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सॉरी, इस पर आपको नहीं क्लिक करना है, ये इसको आपको छोड़ देना है। सो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद पूछेगा थम्स एंड कंडीशन, तो आपको यहाँ पर आई एग्री करना है। तो आई एग्री करने के बाद हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्लीज वैलिड कैप्चा, तो यहाँ से हम फिर से अपना वैलिड कैप्चा लिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है, आपको यहाँ से कौन सा टेस्ट सेलेक्ट करना है। तो यह पहले हम अपना OTP इंटर कर लेते हैं, आता है कि नहीं।
देखिए हमने फिर से क्लिक कर दिया, तो देखिए हमारा कैप्चा चेंज हो चुका है। तो हम फिर से यहाँ से कैप्चा चेंज करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। तो वीडियो थोड़ा लंबी है तो, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। सो यहाँ से देखिए हमने कैप्चा इंटर कर लिया, तो फिर से करते हैं रिक्वेस्ट ओटीपी पे। तो यहाँ से फिर से पूछेगा आई एग्री, तो फिर से हमारा देखिए इनवैलिड कैप्चा है, तो हम फिर से इंटर करते हैं। तो ये देखिए कैप्चा आपका इनवैलिड इसलिए आता है कि वेबसाइट में कोई समस्या रहती है तभी आता है, अदर नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हम आपका फ़ोन नंबर दिख जाएगा 4 अंकों का कौन सा है। तो उसके बाद देखिए ओटीपी है आपके मोबाइल पे सेंड कर दी गई है। तो अब आपको वेट करना है। तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है, तो हम पहले ओटीपी इंटर कर लेते हैं। सो ये देखिए ओटीपी इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछेगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसे आप जूम करके अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको किस में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको इसमें नो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो सेकंड में है इसमें इसे आप ध्यान से पढ़ के सेलेक्ट कीजिए, तो हो सकता है ये चेंज भी हो सकता है। तो इस फिलहाल मैंने इसमें यस सेलेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद इसमें जो ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर इसमें, इसमें आपको फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। सो इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है आपको फोर्थ नंबर में, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो देखता हूँ कि हमारा डाउनलोड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आखिरी में है हम उस पर सेलेक्ट करते हैं, चौथा ऑप्शन जो है। सॉरी, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चौथा नहीं। सो अब हम यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपका छूट जाता है, तो इस पर आपको फिर से क्लिक करना है दोनों ऑप्शन पे। सो यहाँ से हम दोनों ऑप्शन पे फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पर अब आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये ध्यान से पढ़ लीजिए, तभी आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमको ये सेलेक्ट करना है फर्स्ट, और इसमें ये देखिए एड्रेस के लिए आपने अप्लाई नहीं किया है, तो इसमें आपको डिड नॉट ऑन मोबाइल, तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डाउनलोड आधार पे अब आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ पर पूछेगा डाउनलोड ड्राइव पीडीएफ व्यूअर, तो आपको इस पर क्लिक करना है या डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हमारा एरर आके कट चुका है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए तभी देखिए। सो इसी प्रकार आप भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो संबंधित कोई समस्या तो आप कमेंट